इस बार की दिवाली मिट्टी के दीयों से रोशन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का नारा देने के बाद पारंपरिक मिट्टी के दीये बनाने वालों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। दीपों के त्योहार दिवाली पर पहले लोग मिट्टी के दीये जलाते थे, लेकिन भारत के सबसे बड़े इस त्योहार की खुशी में चीन की घुसपैठ ने इन दीये बनाने वालों को लगभग बेकार कर दिया था। मिट्टी के दीयों का स्थान चीन निर्मित दीयों ने ले लिया और लोग मोमबत्तियां व चीन के बने दीये जलाने लगे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, मिट्टी के दीयों की मांग फिर से बढ़ने लगी है। इससे ये दीये बनाने वाले भी उत्साहित हैं और अभी से दिवाली के लिए दीये बनाने में जुट गए हैं। उधमपुर जिले के मगनी गांव के रहने वाले हरिदेश कुमार बताते हैं कि पिछले 50 सालों में इस कारोबार में कई उतार चढ़ाव आए हैं। चीनी दीयों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि वे लोग बेकार हो गए। उन्होंने ये काम छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का नारा देने के बाद उन्हें फिर रोजगार मिला है और आज उनके पास इतना काम है कि वे दिवाली पर दीयों की मांग पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। मेरा नाम हरदेश कुमार है। मेरे को 50 साल से जी मैं काम कर रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है हमारे काम को कोई बढ़ावा दे। हाँ जी, हम गरीब बंदे हैं, कोई हमारी हेल्प करे तो हमारे को हमारे मन में बड़ी खुशी होती है। हमने छोड़ा हुआ काम दोबारा से शुरू किया जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीसी मैडम जी आई हैं, तब से हमारे मन में एक तमन्ना जाग उठी है कि हम फिर से हमने दिहाड़ी पर मजबूर हो गए थे तो उन्होंने घर में आकर बोला कि आप ऐसे करो ऐसे करो, इसको ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो हमारे को बहुत अच्छी तकनीक सिखा रहे हैं वो, तो हम काम कर रहे हैं। फिर तमन्ना हमारी जाग उठी है कि हम दोबारा से फिर काम करें।